सरकारी नौकरी करते हैं, पत्नी के साथ में झगड़ा चल रहा है और इस झगड़े के बाद पत्नी बोलती है मैं आपकी नौकरी आपको सस्पेंड करवा दूंगी, आपको टर्मिनेट करवा दूंगी। चलिए बात करते हैं इसी के बारे में। तो अगर पति पत्नी झगड़ा और सरकारी नौकरी, क्या प्रभाव पड़ेगा आपकी सरकारी नौकरी पर? जानते हैं पत्नी कौन से केस कर सकती है। सबसे महत्वपूर्ण जो अक्सर होता है 498A यानी डोमेस्टिक वायलेंस का केस, और इसके साथ ही सेक्शन 12 का मैजिस्ट्रेट कोर्ट में कंप्लेन केस फाइल कर सकती है। तीसरा 125 मेंटेनेंस का केस फाइल कर सकती है और बाकी जो कुछ भी करेगी शायद वो सिविल नेचर के केसेस हों। तो सबसे महत्वपूर्ण जहां दहेज का केस, डावरी का केस 3/4 या सेक्शन 12 डायरेक्टली डोमेस्टिक वायलेंस का केस या 498A IPC का केस यदि पत्नी पति के ऊपर कर देती है तो क्या आपकी नौकरी चली जाएगी? जी हाँ, आपकी नौकरी चली जाएगी, लेकिन शर्त तब जब आपको 24 घंटे से ज़्यादा पुलिस की हिरासत में रखा जाए या कोर्ट ने आपको जेल भेज दिया हो। और अगर आप सरकारी नौकरी करते हैं तो आपकी नौकरी चली जाएगी। अगर आप सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई करने वाले हैं तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी तब तक जब तक कोर्ट के द्वारा आपको बाइज्जत बरी नहीं कर दिया जाता। इसके साथ ही जो केस लड़ने के टाइम पे, सपोज डेट पूरा का पूरा आपका ये 498 का केस जो ट्रायल चल रहा था वो खत्म हो गया, अब खत्म होने के बाद कोर्ट ने अगर आपको सजा दे दिया, अभी तक आपके डिपार्टमेंट ने कोई एक्शन नहीं लिया, अभी आपको कोर्ट ने 3 साल ज्यादा उसकी सजा दे दी, अब आप सस्पेंड हो सकते हैं। तो ये कुछ कंडीशन है। जी हाँ, क्योंकि ये क्रिमिनल केसेस जो होते हैं वो स्टेट के अगेंस्ट में होते हैं, सरकार के अगेंस्ट में होते हैं, राज्य व केंद्र सरकार के अगेंस्ट में हो सकते हैं। तो निश्चित रूप से अगर आप ऐसा ऑफेंस करेंगे, अपनी पत्नी के साथ मारपीट या दहेज से संबंधित कोई घटना, तो इस कंडीशन पे आपका डिपार्टमेंट, यदि आप सरकारी कर्मचारी हैं, तो आपको टर्मिनेट भी कर सकता है, सस्पेंड भी कर सकता है। टर्मिनेट तब जब आप दोषी पाए जाते हैं, और सस्पेंड कब? तब जब आपके खिलाफ FIR दर्ज हो गई, 24 घंटे से ज्यादा आपको जेल भेज दिया जाता है या पुलिस कस्टडी में रखा जाता है। तो इसके अलावा तीसरी बात, जहां पर 125 धारा मेंटेनेंस CRPC के प्रावधान में जहां पर मेंटेनेंस का केस वाइफ की तरफ से किया जाए या सेक्शन 24 का केस किया जाए या डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 में जो प्रोविजन है मेंटेनेंस के लिए, वहां पर अगर मेंटेनेंस यानी भरण पोषण की राशि कोर्ट के द्वारा पति को देने के लिए कही जाती है और पति अगर ऐसी राशि पत्नी को ना दे तो उस कंडीशन पे कोर्ट उसे जेल भेज देती है। अब क्या होगा? अभी आप सस्पेंड नहीं होंगे, सिविल नेचर है, पैसों का लेना देना है ना, क्रिमिनल नहीं है। क्रिमिनल 498 के केस में, 498A के केस में होता था, और जो क्रिमिनल केसेस 3/4 डावरी प्रोहिबिशन में होते थे। मैं पति पत्नी के झगड़े की बात कर रहा हूं। तो इस कंडीशन पे जहां 125 का है वो तो मेंटेनेंस का केस हुआ, पैसे के लेन देन से मामला है, तो वहां पे यदि आप सरकारी नौकरी भी कर रहे हैं तो आप सस्पेंड नहीं होंगे। अगर 125 के लिए आपको सजा भी मिल गई है कोर्ट के द्वारा, होती नहीं है, लेकिन अगर हो भी गई है तो भी आपको जेल अगर भेज दिया गया तो भी आपको आपका डिपार्टमेंट जो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट से संबंधित है वो आपको टर्मिनेट नहीं करेगा, सस्पेंड नहीं करेगा। एक कालंदा नोटिस होता है। जी हाँ, ये CRPC के प्रोविजन 107, 150, 151 जिनको नोटिस मिला होगा उन्हें काफ़ी अच्छे से पता है। तो जो कालंदा नोटिस होता है, कई बार जब हम स्कूल कॉलेज के टाइम पे होते हैं तो ये नोटिस बहुत आते हैं, और इस नोटिस के आने पर कई बार तड़ी पार को लेकर के या कुछ, तो इस तरीके की जो प्रॉब्लम है, क्या अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको परेशानी होगी? नहीं, छोटे मोटे मामले हैं, इससे आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। पुलिस रिकॉर्ड या वेरिफिकेशन में ये सारी चीज़ें नहीं आती हैं, लेकिन हाँ, अगर कोई सीरियस क्राइम है तो निश्चित रूप से आपको नई सरकारी नौकरी मिलने में परेशानी हो सकती है। और अगर आप ऑलरेडी सरकारी नौकरी पे हैं और आपके पास कोई सीरियस ऑफेंस जहां पर 24 घंटे से ज़्यादा आपको पनिश कर दिया गया है, जेल में रख दिया गया है, सजा दे दी गई है, तो उस कंडीशन पे आप सस्पेंड हो सकते हैं। जानकारी कैसी लगी ज़रूर मुझे बताइए कमेंट बॉक्स पे आपका क्या कहना है। और इसके साथ ही साथ नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपका अपना दोस्त अशोक पांडे, मुझे बात करने के लिए अगर आप अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर आपको दिख रहा है, यहाँ से आप मुझे अपॉइंटमेंट रिक्वेस्ट मेरे ऑफिस में भेज सकते हैं। साथ ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है जहाँ से ऑनलाइन लीगल एडवाइस को आप बात करने के लिए अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। हमेशा की तरह आप जो मुझे अपना कीमती महत्वपूर्ण समय देते हैं, इसके लिए बहुत धन्यवाद।